बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शुरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एंड हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। मैं हूं महमूदुल हसन। आज के लेक्चर में हम वेरिएबल स्कोप और वेरिएबल लाइफ टाइम को डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना लगे तो कमेंट सेक्शन में क्यूरी करें, आपको जल्द रिस्पांस दिया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। व्हाट डज मीन बाय वेरिएबल स्कोप? द बाउंड्री आर एरिया इन विच वेरिएबल आर एक्सेसिबल आफ्टर द डिक्लेरेशन are the scope of these variables. Variable scope determine the accessibility of variable. Variable scope shows the limit where variable can be accessed or where variable cannot be accessed. There are two kinds of variable with respect to scope: local variable and global variable. Local variable वो variable हैं जो function या block के अंदर हम declare करते हैं, उन्हें हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। द वेरिएबल विच आर डिक्लेयर इनसाइड द ब्लॉक और फंक्शन बॉडी इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। ये एक प्रोग्राम है छोटा सा, इसमें देखें कि हमने मेन फंक्शन के अंदर ये दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं एन वन और एन टू के नाम से। ये हमारे क्योंकि जो एन वन और एन टू वेरिएबल हैं मेन फंक्शन के अंदर हैं, इन्हें इसलिए हम लोकल वेरिएबल कहेंगे। और इनका स्कोप जो है ये n1 और n2 को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इस बाउंड्री के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं n1 और n2 को। तो ये जो बाउंड्री है, ये जो एरिया है, ये बेसिकली n1 और n2 के स्कोप को जाहिर कर रहे हैं। इसी तरह ये एक और ब्लॉक है जिसमें हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है n3 के नाम से और इसको इनिशियलाइज भी किया है 100 से। इस n3 का जो स्कोप है वो बेसिकली ये इस n3 को हम यूज कर सकते हैं इस ब्लॉक के अंदर, इससे बाहर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। n1 और n2 को हम इस ब्लॉक में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इनर ब्लॉक है इस मेन ब्लॉक का, तो लेकिन n3 को हम जो है इसी ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं। इसको हम प्रिंट करवा लें, हम इसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन कर लें, ठीक है। तो ये बेसिकली ये भी एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन इसका स्कोप जो है इस ब्लॉक तक महदूद है। तो लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं जो किसी ब्लॉक या फंक्शन बॉडी के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं, उन्हें हम लोकल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स द वेरिएबल विच आर डिक्लेयर आउटसाइड from all the functions and accessible throughout the program are known as global variable. Global variables वो variables होते हैं जिनको हम तमाम functions से बाहर declare करते हैं और ये throughout the program available होते हैं। अब हम ये हमारे पास एक example है, main function से पहले एक variable declare किया है, ये function के बाहर variable है int num1, ये हमारा global variable है, इसको हम मेन में भी यूज कर सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम में कोई और फंक्शन होता है तो उसमें भी हम यूज कर सकते थे। इसका बेसिकली स्कोप जो है वो पूरे प्रोग्राम में इसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ये हमारे पास एक लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का स्कोप जो है जिस फंक्शन में वो डिक्लेयर हो उसी फंक्शन तक, उसी फंक्शन की बॉडी तक महदूद होता है। यानी num2 जो है वो सिर्फ इस बॉडी के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, इससे बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। num1 जो है इस मेन फंक्शन में भी इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा अगर कोई और हमारे इस प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस होते तो उनमें भी इसने इस्तेमाल हो जाना था। अब वेरिएबल के लाइफ टाइम से क्या मुराद है? लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल मीन ड्यूरेशन फॉर विच वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमरी, के वो ड्यूरेशन जिसमें वेरिएबल मेमोरी में रहता है। वेरिएबल लाइफ टाइम स्टार्ट व्हेन अ मेमोरी इज एलोकेटेड टू अ वेरिएबल। वेरिएबल का लाइफ टाइम कब स्टार्ट होता है? जब किसी वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है।
वेरिएबल लाइफ टाइम एंड्स व्हेन अ मेमोरी इज डीएलोकेटेड फ्रॉम वेरिएबल, वो मेमोरी जो है वो डीएलोकेट होती है तो वो वेरिएबल यानी के लाइफ उसका वेरिएबल का लाइफ टाइम एंड हो जाता है। लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है, लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट व्हेन कंट्रोल एंटर इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक वेयर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। तो जहां हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अगर हमने किसी फंक्शन में डिक्लेयर किया है तो फंक्शन के अंदर जैसे ही कंट्रोल आएगा तो उस वेरिएबल का लाइफ टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और यानी आफ्टर डिक्लेरेशन फंक्शन में आया है कंट्रोल और जैसे ही वो वेरिएबल डिक्लेरेशन वाली स्टेटमेंट रन हो गई है तो अब वेरिएबल जो है उसका लाइफ टाइम स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ही उस फंक्शन से बाहर निकलेंगे कंट्रोल बाहर निकलेगा तो उस वेरिएबल का लाइफ टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने किसी ब्लॉक में वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक में आएगा तो उसका लाइफ टाइम स्टार्ट हो गया वेरिएबल का, और जैसे ही उस ब्लॉक से कंट्रोल बाहर निकलेगा तो वेरिएबल का लाइफ टाइम एंड हो जाएगा। लाइफ टाइम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, लाइफ टाइम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल स्टार्ट व्हेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो मेन, क्योंकि हमारा सबसे पहले वो फंक्शन होता है जो जिसने इन्वोक होना होता है, जिसने एग्जीक्यूट होना होता है, जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी होती है, तो जैसे ही मेन में कंट्रोल आता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो ग्लोबल वेरिएबल जो है उनका लाइफ टाइम स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड होता है तो ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम भी एंड हो जाता है। मेन के अब ये कॉन्सेप्ट जो समझने वाला है वो ये है कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो बेसिकली मेमोरी एलोकेट होती है उन वेरिएबल्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब मेमोरी जो एलोकेट हुई है उसने डी एलोकेट भी होना है। अगर हमारा लोकल वेरिएबल है तो जैसे ही हमारा मतलब यानी कंट्रोल जो है किसी ब्लॉक में हमने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उस कंट्रोल जब कंट्रोल उस ब्लॉक में आएगा तो वो वेरिएबल जो है वो एक तो मतलब क्रिएट हो गया, और जैसे ही हमारा उस वेरिएबल को हमारी मेमोरी एलोकेट हो गई और जैसे ही हमारा कंट्रोल उससे बाहर निकला तो वो मेमोरी डी एलोकेट होगी, और हम कह देंगे कि हमारा वेरिएबल जो है उसका लाइफ टाइम ख़त्म हो गया, यानी उसके बाद वेरिएबल जो है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आज का लेक्चर था, इसको हम जो है ना ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। तो डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है हमने टाइप किया, इसमें ये ऑलरेडी भी हम देख चुके हैं। तो इसमें देखिए कि ये हमारे पास दो लोकल वेरिएबल हैं int n1 और n2। जैसे ही बेसिकली हमारा कंट्रोल मेन फंक्शन में आएगा और ये पहली स्टेटमेंट है, जब ये पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो बेसिकली होगा क्या, पहली जैसे ही हमारी स्टेटमेंट चलेगी int n1 n2, बेसिकली होगा ये कि रैम के अंदर 4 बाइट एलोकेट हो जाएंगे हमारे प्रोग्राम को, और ये 4 बाइट जो एक्सेसिबल होंगे n1 के नाम से, और इसमें गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। इसी तरह n2 के नाम से भी 4 बाइट रिजर्व हो जाएंगे हमारे प्रोग्राम के लिए, और इसमें भी अभी गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब ये n1 और n2 को हम इस कर्ली ब्रेस से लेकर इस कर्ली ब्रेस तक, यानी ओपनिंग कर्ली ब्रेस से लेकर एंडिंग कर्ली ब्रेस तक कहीं भी n1 और n2 को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये n1 और n2 का स्कोप है, ये बाउंड्री है। इस ब्लॉक से बाहर हम n1 और n2 को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि n1 और n2 लोकल वेरिएबल है और इनका स्कोप जो है वो महदूद है उसी बाउंड्री तक जिसमें वो डिक्लेयर है। n1 को हमने 20 साइन कर दिया, ये लाइन चलेगी तो
एन वन में 20 गार्बेज वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, इसी तरह 30 एन टू में गार्बेज वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। ये एक लैदा से ब्लॉक, नया ब्लॉक मेन के अंदर एक हमने ब्लॉक बनाया है, तो उसमें हमने एक तीसरा वेरिएबल लिया, इस ब्लॉक में एंटर हुआ और ये लाइन चलेगी तो मेमोरी में एक और फोर बाइट रिजर्व हो गए हमारे प्रोग्राम के लिए एन थ्री के नाम से, और उसमें हमने साथ ही उसको 100 इनिशियलाइज भी कर दिए। इसमें हम 20 स्टोर कर चुके हैं, इसमें 30, तो ये सूरत हाल है रैम के अंदर इस वक्त। अब एन थ्री जो है वेरिएबल, इसको हम इसी ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम प्रिंट करवा लें, इसके ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन कर लें, यानी इस वेरिएबल को हम इसी ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं। मैं एन थ्री को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अभी देखेंगे, मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। ये देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया, 100 और 50 प्रिंट कर दिए, ठीक है। अब इस एन थ्री को मैं आउटसाइड द ब्लॉक, यानी इसके जो स्कोप से बाहर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, फिर देखें क्या होता है। अब मैंने F11 प्रेस किया तो यहाँ पे एरर दे दिया, एन थ्री वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। इस एन थ्री को हम सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे ही मैं उसके स्कोप से बाहर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वहां पे हमें एरर मिली, ठीक है। लेकिन N1 और N2 को हम इस ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आउटर जो ब्लॉक में ये वेरिएबल डिक्लेयर हैं, और ये वाला ब्लॉक जो है वो इस ब्लॉक का हिस्सा है। ये N1 N2 इस पूरे ब्लॉक में कहीं भी इस्तेमाल, N1 N2 वेरिएबल इस पूरे ब्लॉक के अंदर कहीं भी इस्तेमाल हो सकते। इसी तरह लाइफ टाइम का भी ये है कि जैसे ही हमारा ये वेरिएबल क्रिएट हुए मेमोरी में, यानी इन वेरिएबल के नाम से मेमोरी एलोकेशन हुई हमें रैम के अंदर, तो उनका लाइफ टाइम स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टेटमेंट चलना शुरू हो गई, ठीक है, और जैसे ही ये प्रोग्राम यहाँ पे, यानी कि यहाँ से हम रिटर्न स्टेटमेंट चलेगी, तो N1 N2 जो है वो मेमोरी से, उनका लाइफ टाइम भी ख़त्म हो गया, वो मेमोरी से जो मेमोरी एलोकेट हुई थी N1 N2 के नाम से हमारे प्रोग्राम को, वो डी एलोकेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और इसी तरह N3 का तो लाइफ टाइम इतना ही है, जैसे ही इस ब्लॉक से हमारा कंट्रोल बाहर आया, यानी इस स्टेटमेंट पे आया, N3 मेमोरी से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन N1 N2 कब? जब रिटर्न स्टेटमेंट चलेगी, जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट चली, N1 N2 भी मेमोरी से ख़त्म हो जाएंगे। मेमोरी से ख़त्म होने से मुराद ये कि जो N1 N2 के नाम से प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट हुई, वो डी एलोकेट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।